स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए कुछ बेहतरीन रोजगार की जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें समूह की दीदियां बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं। कहीं 48,000 का मुनाफा हो रहा है, कहीं 80,000 का मुनाफा हो रहा है, तो कहीं 40,000 का मुनाफा हो रहा है। आइए वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं किस तरह से स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ संगठन बनाकर एकत्रित होकर कैसे कैसे रोजगार कर रही हैं, कैसे कैसे पैसे कमा रही हैं, कैसे कैसे कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन सभी दीदियों से आप सभी को कुछ ना कुछ सीखना है और वैसा ही कार्य आपको भी करना है। तो चलिए वीडियो में हम आपको बताते हैं जानकारी क्या है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहले की तरह आज भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा जरूर। स्वादिष्ट चटपटे स्वाद की खुशबू से महक रहा तिलई ग्राम का रीपा, मुनाफा कमा कर माला माल हो रहे स्वयं सहायता समूह के सदस्य। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जांजगीर चांपा जिले के ग्राम तिलई के रीपा गौठान में बनाए जा रहे स्वादिष्ट चटपटे खुशबू बिखेरते नमकीन व्यंजनों का स्वाद हर तरफ फैल गया है। इस तारीफ के बलबूते बड़ी मेहनत करते हुए गीतांजलि समिति आशीर्वाद समिति से जुड़े सदस्य अपने काम की बखूबी अंजाम दे रहे हैं और जांजगीर चांपा जिले में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। इस योजना के शुरू होने के बाद अब तिलई में बेसन बूंदी निर्माण इकाई, आलू चिप्स केला चिप्स निर्माण इकाई की स्थापना की गई, जिसमें गांव की गीतांजलि समिति और आशीर्वाद समिति ने जुड़ना पसंद किया। समिति सदस्यों का काम के प्रति ऐसा लगाव है कि जब तक कार्य खत्म नहीं कर लेते तब तक वे घर नहीं जाते। गीतांजलि समिति को अध्यक्ष रूपा कुर्रे और सचिव ज्योति कटारे बताती हैं कि योजना के द्वारा समिति को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि अलग अलग तरीके की मशीनरी जैसे फरसान मशीन, फ्राइंग मशीन और पैकेजिंग मशीन, ड्रायर मशीन और उपलब्ध कराई गई है। वही आशीर्वाद समिति अध्यक्ष कौशिकी बताती है, वर्किंग सेट के साथ ही कटिंग मशीन, फ्राइंग और पैकेजिंग मशीन, ड्रायर मशीन, मिक्सर मशीन। बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सदस्यों ने नमकीन मिक्सर और चिप्स निर्माण इकाई से जुड़कर विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए हैं। दोनों समिति में कुल 7-7 सदस्य हैं, जिसमें 4 महिलाएं 3 पुरुष हैं। समिति द्वारा मिक्सर, रायता, बूंदी, गाठिया, पापड़ी, मसाला मिक्सर, बारीक सेव, टेस्टी मिक्सर, नवरत्न, सदाबहार, भावना गिरी आदि मिक्सर तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग वैरायटी के चिप्स तैयार कर उन्हें जांजगीर जिले सहित दूसरे जिले जैसे रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा में विक्रय के लिए भेज रहे हैं। गीतांजलि समिति द्वारा उत्पादों की बिक्री करते हुए 84,700 रुपये का शुद्ध कमाई कर चुकी हैं, तो वहीं आशीर्वाद समिति द्वारा अपने उत्पादों को विक्रय करते हुए 42,000 रुपये का फायदा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, दीदियों ने, स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने संगठन बना करके कैसे किस तरीके से एक साथ जुड़ करके व्यवसाय शुरू किया, मशीन खरीदी इन्होंने। अब आप चाहें तो मशीन ना खरीदें, ज़रूरी नहीं है। जैसे चिप्स बनाएं आप, पापड़ बना सकती हैं, बेकरी का सामान बना सकती हैं, नमकीन बना सकती हैं, ये सब तो आप आसानी से घर बैठे ही बना सकती हैं। अगर आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, एक छोटे से कमरे की ज़रूरत होगी, वहीं पर आप सारी सामग्री बना कर पैकेजिंग का मशीन केवल आप ले लीजिएगा, वो ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है पैकेजिंग करने वाला, वो लगभग आपको 1,500 में वो पैकेजिंग मशीन मिल जाएगा। और पैकेट तो मार्केट में उपलब्ध ही होता है ना, जो भी नमकीन वगैरह चिप्स वगैरह आपको पैक करना है। तो ये तो हमें तो काफ़ी पसंद आया। आप सभी अगर कोई भी व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं समूह में, तो ये सभी व्यवसाय को शुरू कर सकती हैं और इसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। ये 12 महीने चलने वाला, मतलब हर सीजन में चलने वाला प्रोडक्ट है एक प्रकार से। इसको आप हमेशा सभी खाना पसंद करते हैं, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों या माताएं बहनें हों, सभी इसको खाना पसंद करते हैं अक्सर, तो इस वजह से इसकी बिक्री अक्सर होती है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस होने वाला है, रोज़गार होने वाला है। समूह में है तो कोई ना कोई रोज़गार शुरू कीजिए और अच्छी खासी कमाई करिए। ऐसा नहीं है कि ये बिकेगा नहीं, बिकेगा तो 100%। बाकी आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।